फर्रुखाबाद के उत्तर गंगा पार कुछ दूरी पर बसा हुआ है शहर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर रोहिलखंड में बरेली के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला हेडक्वार्टर है। शाहजहांपुर एक ऐतिहासिक शहर है। बसाए जाने से पहले ये राजपूत, ब्राह्मण व अन्य जातियों का इलाका था। ये मुगलों के घोर विरोधी थे। शाहजहां ने यहां शांति स्थापित करने के लिए अपने बहादुर सैनिक दरिया खान को चुना। कौन था दरिया खान? असल में दरिया खान के दादा इब्राहिम अफगानिस्तान में कबीले के सरदार थे। वह घोड़े का व्यापार व खेती किसानी करते थे। दरिया खान अपने दो पुत्रों बहादुर खान व दिलेर खान के साथ सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत चले आए। दोनों ने अपने पिता की तरह मुगल सेना में प्रवेश किया। 1637 में दोनों भाई दिलेर खान व बहादुर खान ने शाहजहां के आदेश पर कठेरी राजपूतों को अनेकों लड़ाइयों में हराया और अमन बहाल कर दिया। अमन स्थापित करने के लिए शाहजहां ने बहादुर खान को जगीर में 36 गांव दिए। इस वक्त नवाब बहादुर खान बल्ख अफगानिस्तान में थे। तदनुसार सन 1647 में नवाब दलेर खान ने शाहजहांपुर शहर की स्थापना की। बाद में नवाब बहादुर खान ने अफगानिस्तान के पश्तूनों को शाहजहांपुर लाकर बसाया। दलेर खान ने गरारा और खन्नौत नदी के तट पर नैनार खेरा में एक किला बनवाया जो आज खंडित हो चुका है। वर्तमान में शाहजहांपुर में बहादुरगंज बहादुर खानन के नाम बसाया गया है। बड़ी संख्या में मोहल्ले उपजातियों के नाम बसाए गए हैं। 9 जुलाई 1649 को नवाब बहादुर खां की कंधार अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। नवाब बहादुर खां की इच्छा अनुसार कंधार से शव लाकर शाहजहांपुर में दफनाया गया। नवाब बहादुर खां के छोटे बेटे अजीज खां ने 1713-14 में संगमरमरी मकबरे का निर्माण कराया जो आज खंडित अवस्था में है। आज शाहजहांपुर की पहचान शहीदों के शहर के नाम से होती है। शहीदों के शहर शाहजहांपुर के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे।